नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जबलपुर में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि पूरी पहाड़ी से घिरा हुआ है। इस मंदिर को मदन महल शारदा देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में सावन सोमवार में हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है। पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है, जहां शासन काल में मंदिरों को नष्ट करने के आदेश के बाद जो एकमात्र मंदिर बचा था वो यही है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। इसके निर्माण को लेकर कई रोचक कथाएं कही जाती हैं। पंडित जी का कहना है कि हिंदुओं का एक पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। भक्तों का कहना है कि माता रानी के मंदिर में हजारों साल से झंडा चढ़ाने की प्रक्रिया चली आ रही है और माता रानी भक्तों की पूरी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मदन महल पहाड़ी के इलाके में, जो कि चारों साइड पहाड़ी के में एक मंदिर गिरा हुआ है, जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसको शारदा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर सावन के त्यौहार पे यहाँ पर हर हफ्ते एक झंडे जो आते हैं, हजारों की संख्या में भक्त झंडा लेके आते हैं और हर हफ्ते झंडे उतारे जाते हैं, फिर चढ़ाए जाते हैं। आइए यहाँ पर आपको मंदिर का लाइव दर्शन दिखाते हैं। इस मंदिर की खासियत है कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि हजारों वर्षों से यहाँ पर हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितनी भीड़ है। सोमवार को यहाँ पर सबसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ रहती है, जो कि यहाँ पर हजारों झंडों के साथ माता रानी को चढ़ाया जाता है और यहाँ पर भंडारे से लेकर हर चीज़ वितरण होता ही रहता है। आइए हम आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको। इस मंदिर में जो माता रानी के दर्शन के लिए आता है, हर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही माना हुआ मंदिर है। यहाँ पर हर हफ्ते भक्तों का तांता लगा होता है और यह चार हफ्तों का जो मेला लगता है, यहाँ पर हजारों के भक्तों में आते हैं और झंडा चढ़ाते हैं। पूजा पाठ से लेकर हर एक कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं। माता रानी के आपको लाइव दर्शन करा रहा हूँ मैं पुलिस वाला वेब न्यूज से। इस प्राचीन माता रानी के दरबार में हर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भी यहाँ पर आता है उनकी पूरी मनोकामनाओं से भरपूर होता है। मंदिर के पंडित जी जो है उनसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि क्या यहाँ की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाराज जी मुझे ये बताएं कि इतने भक्त आते हैं यहाँ से, क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती है जो इतनी भीड़ लगती है? जो चाहते हैं भक्त लोग, माता उनकी सभी इच्छा पूरी करती है। यहाँ क्या रहस्य है माता रानी के जो सभी के? माता रानी का रहस्य क्या है? माता रानी का रहस्य कोई समझ सकता है? तो अपार मान रहस्य है। यहाँ झंडे चढ़ने का भी पुराने तत्वों से चला आ रहा है कि झंडा चढ़ते हैं, बहुत दिन से क्या राज है? भाई झंडा माता को झंडा चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा से। कितने झंडे चढ़ जाते होंगे कम से कम? अरे अब यहाँ तो बहुत सैकड़ों सावन के महीना में चढ़ जाते हैं। जो खास चीज़ है वो क्या है जो लोगों तक एक संदेश पहुंचना चाहिए? अरे माता रानी इतना है कि माता रानी जो इच्छा भक्त करते हैं वो माता रानी पूरी करती है, यही है उनकी कला और का है। अपना नाम बताएं महाराज। हाँ, छोटे लाल पटेल। तो आपने देखा है शारदा देवी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मैं आपको अभी तक लाइव दिखा रहा था। पुलिस वाला वेब न्यूज के साथ संतोष कोरी की रिपोर्ट, जबलपुर।